सभी मित्रों को सादर जय जैनेन्द्र और नमस्कार। मैं अशोक जैन मिलन अभिव्यक्ति की वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत आज का विषय रखा है कि शरीर भी हमें समय समय पर सिग्नल देता है। यह शरीर भगवान या प्रकृति ने जिसने भी बनाया है बहुत ही सुंदर रचना की है। यह बहुत ही जटिल पर परिपूर्ण रचना है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस सुंदर शरीर की उचित देखभाल करें, इसको उचित वातावरण प्रदान करें, उचित व्यायाम करें और उचित आहार के द्वारा इसे स्वस्थ और निरोगी रखें। उचित आहार का मतलब यह नहीं होता है कि वो जीभ को अच्छा लगे। उचित आहार वो होता है जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो। इस शरीर में बहुत ही अच्छे सिस्टम दिए हैं जो आपको समय समय पर इसके अंदर आने वाली समस्याओं, परेशानियों, रोगों के बारे में आपको चेतावनी के सिग्नल देता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन सिग्नल्स को सही तरीके से पहचानें और समय पूर्व उचित देखभाल रखें, उचित उपाय करें, उचित इलाज करें। अगर आपने इनकी अनदेखी करी, समय पे इसकी देखभाल या समय सिग्नल्स को नहीं पहचान पाए तो शरीर रोगी हो जाता है। इसके फलस्वरूप आपको इलाज करवाना पड़ता है, डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, आपका पैसा खर्च होता है और मानसिक और शारीरिक रूप से आप परेशान होते हैं। अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि इन सिग्नल्स को हम सही तरीके से पहचानें, शरीर के साथ दोस्ती करें और शरीर में तो आने वाली कोई भी परेशानियों को हम उचित समय पर पहचान कर लें। इसकी अनदेखी हमें भुगतनी पड़ती है और शरीर को कोई ना कोई व्याधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसी ही अनदेखी मैंने एक बार की थी और उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। मित्रों, बात 2001 की है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की बड़वा शाखा में पदस्थ था। मेरी शुरू से ही आदत रही कि सुबह घूमने जाना, इससे शरीर स्वस्थ रहता है और दिन भर शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। सुबह सुबह घूमने से स्वच्छ आपको शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलती है जो हमें बहुत फ़ायदा करती है। सुबह घूमते समय मुझे एक दिन मैंने देखा कि मेरे सीधे घुटने के अंदर कट की आवाज़ आ रही है। मैंने इस चीज़ को अनदेखा किया। थोड़ी देर रुक जाता, कट की आवाज़ बंद हो जाती, फिर घूमने लगता। कुछ ही दिन पश्चात मुझे उस सीधे पैर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होने लगी और चलने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टर को दिखाया, कुछ दिन डॉक्टर ने दवाई दी, जितने दिन डॉक्टर की दवाई खाई आराम रहा। फिर डॉक्टर की सलाह पर एक्सरे करवाया। एक्सरे में मालूम पड़ा कि पैर में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। अब शरीर में निश्चित ही खासतौर से पैर में कोई परेशानी आ जाए तो दिमाग भी परेशान होता है। डॉक्टर का इलाज करवाया। इसी बीच मेरा ट्रांसफ़र बड़वा से इंदौर हो गया। डॉक्टर ने सलाह दी कि आप नीचे पहनिए और दवाइयाँ खाइए। साथ ही उसने सलाह दी कि घुटने के लिए दो व्यायाम बहुत अच्छे हैं। एक आप तैरिए, दूसरा एक्सरसाइज वाली साइकिल से एक्सरसाइज कीजिए। मित्रों, इंदौर में मेरा ऑफिस तीसरे माले पर था। बैंक में लिफ्ट लगी हुई थी, चढ़ाव से मैं चढ़ नहीं पाता था। लिफ्ट से जाना आना पसंद करता था। किसी दिन अगर लाइट नहीं और लिफ्ट बंद है तो निश्चित ही मुझे बड़ी दुविधा हो जाती थी। पर सतत डॉक्टर के इलाज और साइकिल चलाने के कारण 6 महीने के अंदर ही शरीर में घुटने में बहुत सुधार हुआ। जो मैं बिना लिफ्ट के चढ़ उतर नहीं पाता था, मैंने लिफ्ट बंद कर दी और 3 माले के चढ़ाव ही चढ़कर मैं जाता था और उतरता था। इसके पश्चात मैंने आवश्यक रूप से साइकिल चलाना और उचित व्यायाम रखना सदैव जारी रखा। आज इस बात को 18-19 साल हो गए हैं। उचित व्यायाम और साइकिल के कारण मैं अच्छी यात्राएं भी कर लेता हूं, सब कुछ कर लेता हूं और साथ ही शरीर में जब भी कोई ऐसा सिग्नल मुझे मिलता है मैं उसका उचित ध्यान रखता हूं, त्वरित कार्रवाई करता हूं, डॉक्टर को दिखाना या देखभाल करना या परहेज करना। तो मित्रों, हमें आवश्यक है कि हम शरीर के सिग्नल्स को पहचानें और उन उचित समय पर ही हम रोकथाम करें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रह सके
और जब तक भी आयु है हमें पूर्ण आयु स्वस्थ रूप से ही बिताने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर आपके साथ मिलन अभिव्यक्ति की श्रृंखला में। नमस्कार।